एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनन्या वालिया, मेरा नाम है आई एम अनन्या वालिया और मेरे चैनल का नाम है वनकला जर्नी। आई एम इन गोवा राइट नाउ। कैलंगूट में ही हमारे होटल के बहुत ही पास एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे फ़िलहाल हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। एंड वो उस रेस्टोरेंट का नाम है साई कृपा। नॉर्थ इंडियन फूड वहाँ पे बहुत आसानी से अवेलेबल था, हमने जाके चेक किया था, एंड प्योर वेज है। सो लेट्स सी कैसा होने वाला है। मैं वापस आते आते अब आपसे बात कर रही हूँ, बिकॉज आई एम सो टायर्ड कि मेरी वहाँ बात करने की हिम्मत ही नहीं थी। मैंने सीधे सीधे खाना खाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे हमने ऑर्डर किया था कढ़ाई पनीर और कुछ 8 रोटी की थी मम्मा ऑर्डर, 8 नॉर्मल तवा चपाती। पापा क्या कॉस्ट पड़ा हमें बिल? 400 का बिल अराउंड था, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल 3 लोगों के लिए। और मैंने इसमें मेन्यू का भी पूरा डिटेल्स डाल दिए, तो आप पॉज करके रेट भी देख सकते हो। ये ब्लॉग तो ऑफकोर्स बात का है, लाइक मैं 2-3 ब्लॉग जा चुके होंगे, जब तक आप ये देखोगे मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट वाला होगा। बट इसमें मैं ये अपने सेकेंड डे में से क्लिप इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट डे पे मैं स्कूटी रेंट पे ले रही हूँ, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। सो आई थॉट कि इसी वीडियो में आई शुड इंक्लूड द पार्ट जब मैं कार रेंट पे ले रही हूँ, ताकि आपको दोनों के रेंटल का आइडिया लग जाए। सो इन कलंगूट ओनली वेयर वी आर स्टेइंग एट द नीलम ग्रैंड, उसी के जस्ट सामने रेंटल कार एंड बाइक का शॉप है जहाँ पे वो प्रोवाइड करें। इनफैक्ट ये पूरी मार्केट हमारा मेन एरिया में, उसके आसपास पूरी मार्केट है और सब कुछ अवेलेबल है, और भी कार रेंटल्स के ऑप्शन है। बट जहाँ हम जा रहे हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट है होटल के, और उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि हम कौन सी कार ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम कार रेंटल के लिए आए हैं, और आपका नाम बता दीजिए। गोपी नाम है इनका, और आप ही के पास सारे कार्स मिलेंगे ना, जो भी कार रेंटर कार? ओके, स्कूटर, 2-व्हीलर, 4-व्हीलर सब मिलेगा आपके पास में, ठीक है। तो यही हैं जिनको आपको आके कांटेक्ट करना है, और इनकी ये सामने ठीक दुकान है जो जिसके आगे स्कूटीज रखे हैं। ओके, विक्रम जनरल स्टोर है, रेंट अ बाइक कार टैक्सी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम ये टोयोटा कार ले रहे हैं रेड कलर की, और यहाँ पे और भी बहुत से कार्स के ऑप्शंस हैं। आप ये बता देंगे कि और कौन कौन सी कार्स हैं? हाँ, बेलिनो, i10, अर्टिका, 8-सीटर, वेगोनार एंड ऑल एक्टिवास मोस्टली। ओके, ये सारे कार्स मिलेंगे। सो वो हमें फ़िलहाल गाड़ी के पेपर्स एंड ऑल दिखा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप गाड़ी से लेने से पहले गाड़ी के पेपर्स अच्छे से चेक कर लो, दैट सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं, एंड तभी गाड़ी लो, बिकॉज ऑफ कोर्स ये सेल्फ ड्राइव हम ले रहे हैं गाड़ी, तो हमारे पास होना ज़रूरी है। और इन्होंने हमारा एक आधार कार्ड रखा है, आई मीन पापा ने अपना दिया है। कोई भी इंसान जो ड्राइव करने वाला हो उसका आईडी प्रूफ ही अपने पास रखते हैं, ऑब्वियसली फॉर सेफ्टी, क्योंकि कार हम इनसे ले रहे हैं इनकी। और ये जो आईडी प्रूफ अपने पास रखते हैं, वो आईडी प्रूफ हमें तब वापस करते हैं जब हम इनको कार वापस करते हैं। सो बेसिकली यू कैन गिव देम 1 आईडी प्रूफ। अभी आई थिंक पापा चला के देख रहे हैं गाड़ी, बिकॉज अगेन यू हैव टू चेक एवरीथिंग लेने से पहले, कि चला के देखना होता है कि कैसे चल रही है, क्या इसके फंक्शंस एंड एवरीथिंग। पेट्रोल गाड़ी? हाँ, नहीं पेट्रोल तो मालूम है। ऑल्सो मेक श्योर, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी गाड़ी लेने से पहले उसका अच्छे से चेक कर लो, उसका वीडियो ले लो पूरा, सो दैट अगर कोई प्रॉब्लम आए या वो आपको क्लेम करे कोई भी इंसान जिससे आप ले रहे हो कि इसमें कोई स्क्रैच लगा है या कोई निशान लगा था, आप उनको पहले से दिखा सकते हो अगर वो पहले से लगा हुआ था तो इन द वीडियो दैट यू टेक। तो एक एक कोने का प्रॉपरली वीडियो ले लेना चाहिए, जो कि मैं अभी लेने जा रही हूँ। हमारी जो कार है वो इटियोस कार है,
टोयोटा की। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट जो हमें पड़ी कार रेंटल की, तो उन्होंने हमें 1500 बताया था टोयोटा वाली कार का, जो कि छोटी गाड़ियों में आती है, लाइक अब वैगनार, i10, ये सब, मतलब ये सारी लोग हैं, तो वो 1500 का कॉस्ट है पर डे का उसका। और लाइक उसमें आप पूरे टाइम अपने पास रख सकते हो, पूरे दिन, जितने भी दिनों के लिए आप लो। ऐसा मुझे लगता था कि हाँ, हमने अगर तीन दिन के लिए, जैसे हमने तीन दिन के लिए लिया, तो मुझे लगता था कि हमें रात को वापस करने जाना होता होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता, आप अपने पास रख सकते हो, इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज होटल भी काफ़ी स्पेशियस है। सो हम यहाँ पे अंदर ही पार्क कर लिया करेंगे। अब बात करें बारगेन की, तो 1500 से बारगेन करके हमने उनसे 1100 में बात की। आप आराम से बारगेन कर सकते हो, बिकॉज़ 1100 या 1000 तक भी कई बार लोग मान जाते हैं, एटलीस्ट कार के बारे में मैं बात कर रही हूँ। एंड अभी के लिए हमने उनको 2000 रुपीज़ डिपॉज़िट मनी दिया है, जो कि जब हम उन्हें कार वापस करेंगे तब वो हमें रिटर्न कर देंगे। उसके अलावा वो पूरे तीन दिनों की पेमेंट मांग रहे थे 1100 की, जो कि हो गया 3300, लेकिन हमने अभी उनको सिर्फ एक डे की पेमेंट दी है 1100, बिकॉज यू वर लाइक कि बाकी की पेमेंट बाद में कर दी जाए तो बेटर होगा, लाइक सारी पेमेंट एक बार में करने की जगह, इसलिए हमने अभी उनको इतना पेमेंट किया है। एंड देन हम जब कार रिटर्न करने जाएंगे तब सारी पेमेंट बाकी की कर देंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कार रेंटल स्टफ। I need it like no, I need it early. It's all the same, the same. Okay, it's time to leave today, but उससे पहले हम लोग चले गए थे अभी कालंगूट बीच पे, एंड जस्ट रैंडमली वी वेंट देयर, क्योंकि अभी हमारी फ़्लाइट है 3 बजे की, एंड सुबह का टाइम हमारे पास था, मेरे और पापा के पास, तो वी वेंट टू दिस कालंगूट बीच। और रैंडम प्लान्स, एब्सोल्युटली रैंडम, वहाँ पे हमने सोचा कि बोटिंग कर लेते हैं, और मैं कैमरा लेके ही नहीं गई थी, तो मैंने फ़ोन से व्लॉग थोड़ा बहुत वीडियोस बनाए हैं, जो कि आप आगे देखोगे। देन हमने बोटिंग की, और बोटिंग का पर पर्सन 200 रुपीज़ का चार्ज था, जिसको पापा ने बार्गेन करके 300 करवा दिया दोनों का मिला करके। पापा के बार्गेनिंग स्किल्स आर टू गुड, सो इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस। वो आपको छोटी सी राइड करवा के लाते हैं, और वो बहुत अच्छी भी होती है, मतलब बहुत सूदिंग सी होती है। एंड वीडियो में बाकी की डिटेल्स आप देखोगे। वेरी सडन प्लान्स, हम लोग जाने से पहले एक बार आ गए थे ऐसे ही रैंडमली, वी केम टू कालंगूट बीच, और यहाँ पे बोटिंग का मन बन गया, वी केम हियर फॉर बोटिंग, अभी हम बोटिंग करने जा रहे हैं। मैंने आप लोग को इस ब्लॉग में बोला था कि मैं आपको कार रेंट के साथ साथ स्कूटी का भी दिखाऊंगी, बिकॉज हम लास्ट डे पे लेंगे, बट ऑनेस्टली लास्ट डे पे कोई ऐसा टाइम नहीं मिला, और हम लोग ऑलमोस्ट हर जगह घूम चुके थे, तो कोई मतलब नहीं था स्कूटी लेने का, दैट इज़ वाई हमने स्कूटी नहीं ली है। बट उनका, उसका भी प्रोसेस एग्जैक्टली सिमिलर होता है। जब हमने पता किया था तो कुछ 400 अराउंड में स्कूटी अवेलेबल थी, और उसमें भी आप आई थिंक बार्गेन कर सकते हो। सो इट्स सेम वीडियो ले लो खरीदने से पहले, अच्छे से उसका चेक कर लो, अच्छी कंडीशन एंड एवरीथिंग, तो वही सारी चीज़ें होती हैं। हमने अपनी कार वापस कर दी थी
जो ओनर थे उनके उनको एंड आधार कार्ड अपना ले लिया था उनसे, और उन्होंने अपनी कार चेक की एंड देन वो अपने साथ मतलब उन्होंने रख ली. सो दैट इज़ इट. आई थिंक अब फिर कुछ और बचा नहीं आप लोग को दिखाने के लिए, सब कुछ तो मैं दिखा चुकी हूँ. तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करना सही रहेगा. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड ये लास्ट वीडियो है गोवा सीरीज़ का. सो अगर आपने पूरी सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके देख लो मेरे प्लेलिस्ट में जो कि गोवा के नाम से होगी, एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी. एंड मेक श्योर कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करो. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वन गर्ल अ जर्नी. यू कैन सेंड मी योर रिव्यूज ओवर देयर. कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. मेक श्योर कि लाइक कर दो आप इस वीडियो को फॉर यूट्यूब एल्गोरिथम. सब्सक्राइब टू माई चैनल. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं. एंड आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो. Bye-bye.